वेलकम यू ऑल इन भूपेंद्रा बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशली यूज्ड फॉर प्लांट, मतलब एक टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो टर्म है वो स्पेशली हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन जो होती है वो प्लांट्स की वेजिटेटिव यूनिट से होती है, जैसे कि रनर, राइजोम, शक्कर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। एक्चुअली में ये सारी चीज़ें प्लांट की रूट, स्टेम और लीव्स की ही यूनिट्स होती हैं, उन्हीं की मॉडिफिकेशंस होती हैं और उन्हीं से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। और इन सभी यूनिट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं, जो उनको एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंसिडर्ड एज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी उसी का टाइप बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखिए, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ना ही तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, ना ही गैमेट्स की फ्यूजन होती है। दूसरा, ये यूनिपेरेंटल होता है। ये दोनों करैक्टर किसके हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं, इसलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ए टाइप बोला जाता है। किसका? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आप पढ़ते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप से हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प से अपने आप प्लांट करते हैं। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं बाय यूजिंग टिश्यू कल्चर। तो डिफरेंट मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो रूट्स के बारे में देखते हैं। रूट से कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी रूट से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है? स्वीट पोटैटो है, डहलिया है, एस्पारागस है। इन सभी प्लांट्स की रूट से क्या होता है? न्यू शूट की फॉर्मेशन होती है। और कुछ प्लांट्स की रूट्स के ऊपर क्या होती है? बर्ड्स होती हैं, वो ग्रो होती है इनटू लीफी सूट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिप्स बोलते हैं। स्टेम, स्टेम अंडर द ग्राउंड भी हो सकती है और अबव द ग्राउंड भी हो सकती है। अंडरग्राउंड के अंदर हमारे पास ट्यूबर, पोटैटो, पोटैटो जो होता है उसके ऊपर आई, छोटी छोटी आई बर्ड लगी होती है, इसको आई भी बोलते हैं, हम बाद में डायग्राम से देखेंगे। गार्लिक और ऑनियन जिनकी से बल्ब जैसी होती है इसलिए इनको बल्ब बोला गया है, ये भी स्टेम से रिप्रोड्यूस करती हैं। कॉर्म, कोलोकेसिया स्टेम से रिप्रोड्यूस करती है। राइजोम, जिंजर, बनाना और टर्मरिक ये भी स्टेम की हेल्प से रिप्रोड्यूस करती हैं। मिंट, पुदीना जिसको बोला जाता है, वो शक्कर की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है, वो डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। सब एरियल के अंदर आता है हमारा रनर, लान ग्रास। रनर में क्या होता है कि इसकी स्टेम जो होती है वो हॉरिजॉन्टली, ग्राउंड के हॉरिजॉन्टली रन करती है और जहाँ पे उसका नोडल पार्ट होता है वहाँ से नीचे की तरफ रूट और ऊपर की तरफ से शूट की फॉर्मेशन हो जाती है, वो ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। स्टोलन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, ये लॉन्ग रनर ही होती है, कोई ऑब्स्टिकल्स बीच में आ जाता है तो उसको क्रॉस करके ग्राउंड तक पहुँच जाती है। ऑफसेट, इकोर्निया और पिस्टिया में इस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक टाइप से रनर ही होती है जो वाटर में होती है। इकोर्निया को टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है और मोर प्रॉब्लमेटिक वीड भी बोला जाता है। ये हाईली इन्वेसिव हो जाता है वाटर बॉडी में अगर वाटर हमारा क्या है, हाईली न्यूट्रिएंट एनरिच्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व हो गए हैं और पोल्यूटेड वाटर है तो
तो उसके अंदर बहुत फास्टली ये ग्रो करता है और पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लेता है। उस स्टेज को हम यूट्रोपिकेशन बोलते हैं और यूट्रोपिकेशन की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती, ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली में इसकी हमने इसको इंडिया के अंदर इसको लेके आए थे, इसके ब्यूटीफुल फ्लावर की कलर और उसकी ब्यूटीफुल शेप ऑफ लीव्स के लिए, लेकिन यहाँ आप आकर के क्या हो गया, वो इन्वेसिव हो गया और बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो किया और हमारी एक्वेटिक इकोसिस्टम को इसने डिस्ट्रॉय किया। देखिए डायग्रामेटिकली हम समझते हैं वेजी टू प्रोपोगेशन को, तो पहले हम रूट की बात कर रहे हैं। रूट में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था स्वीट पोटैटो का, देखिए स्वीट पोटैटो है, इसकी रूट ऐसे हो जाती है और मल्टीप्लाई कर जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने दहेलिया का पढ़ा था, दहेलिया के अंदर देखिए ये भी रूट है, वेजिटेबली प्रोपोगेट करती हैं ये भी। और तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया था एस्पारेगस, जिसको हम स्टावर भी बोलते हैं, उसकी रूट ऐसे मल्टीप्लाई करती है। नेक्स्ट देखिए अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के अंदर पोटैटो ट्यूबर, पोटैटो जो होता है उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड लगती हैं और वहां बर्ड से लीफ अराइज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम आई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑनियन बल्ब, ये ऑनियन बल्ब है, बल्ब जैसी शेप है। अब ऑनियन को जब हम कट करते हैं तो हमें उसमें फ्लैसी लेयर देखने को मिलती है, ये देखिए फ्लैसी लेयर्स हैं। और अर्ली सीजन के टाइम में जो हमारी स्टेम जो होती है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है हमारी, इस स्टेम से लेटरल बर्ड्स अराइज होती है, ये लेटरल बर्ड्स अराइज हो रही है। अब ये लेटरल बर्ड जो होती है जब सीजन का एंड होना शुरू हो जाता है तो उस टाइम पे डोरमेंट रहती है, जब ग्रोइंग सीजन आता है तो इन लेटरल बर्ड से क्या होता है, न्यू लीव्स ग्रो करना शुरू कर देती है। तो अंडरग्राउंड स्टेम की हेल्प से ये क्या करता है, प्रोपोगेट करता है। नेक्स्ट है कॉर्म, ये भी अंडरग्राउंड होता है, इसको कोलोकेशिया बोला जाता है। इसके अंदर भी क्या होती है, स्टेम के अंदर क्या होती है, बर्डिंग होती है, जिसकी हेल्प से न्यू स्टेम की फॉर्मेशन होती है। एडवांटेजियस रूट्स हैं ये छोटे छोटे डॉटर कॉम्स दिखाई दे रहे हैं, ये लीव्स अराइज होती हैं, स्केली लीव्स, ये बड़ी हो जाएंगी बाद में। जिंजर के अंदर, अदरक के अंदर देखिए एडवांटेजियस रूट्स हैं, ये स्केली लीव्स हैं, ये इसका इंटरनोड पार्ट है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये इंटरनोड होता है, तो ये भी ऐसी जर्मिनेट करती है। मिंट, शक्कर, पौधे में क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है तो उसकी लोअर ब्रांच जो होती है, लोअर स्टेम, वो अंडर द ग्राउंड ऐसे चलती है और थोड़ी देर थोड़े रन करने के बाद, थोड़ा सा अंडरग्राउंड रहने के बाद उसके अंदर से एडवांटेजियस रूट ग्रो करना शुरू कर देती है और वहां से फिर ऊपर की तरफ एक न्यू स्टेम अपीयर हो जाती है। ऐसे फिर स्टेम अंडरग्राउंड चलेगी, फिर ऊपर की तरफ से एक ब्रांच निकल जाएगी, नीचे फिर एडवांटेजियस रूट हमारी आ जाएगी। ऐसे मिंट क्या करता है, ग्रो करता है। अब है सब एरियल स्टेम, जैसे आपने डूब ग्रास में देखा होगा या लान ग्रास में आपने देखा होगा कि हमारे पास ये ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड से ऊपर जो ब्रांच होती है वो हॉरिजेंटली ग्राउंड से चलती है और थोड़ी टाइम के बाद उसके ऊपर नोडल पार्ट पे एडवांटेजियस रूट और ऊपर की तरफ से लीफ आना शुरू हो जाती है। स्टोलन, ये एक लॉन्ग रनर का एग्जांपल है। रनर में क्या होता है कि हॉरिजेंटली चलता है और जो हमारे पास स्टोलन जो होता है, अगर उसके बीच में कोई हार्ड ऑब्स्टिकल्स आ जाता है तो उसको क्रॉस करके ये स्टेम जो होती है ग्राउंड तक पहुंच जाती है और वहां पे फिर जर्मिनेट कर जाती है। इकोर्निया, जिसको हमने मोस्ट प्रोबेबिलिटिक वीड भी बताया है, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको, यूट्रोपिकेटेड वाटर में मिलता है। यूट्रोपिकेटेड वाटर मतलब जिस वाटर में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट हो जाती है वहां पे ग्रो करता है और उस वाटर में यूट्रोपिकेशन कॉज कर देता है, जिससे ग्राउंड वाटर, जो वाटर के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो ये पूरे वाटर सरफेस को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वहां तक हमारा सन की लाइट नहीं पहुंच पाती।
प्रोड्यूसर फूड प्रोड्यूस नहीं कर पाते और उनके ऊपर जो कंज्यूमर डिपेंड होते हैं वो उनकी भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है लीफ। बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी लीफ की नोच के ऊपर, जैसे ब्रायोफाइलम है, उनकी लीफ की नोच के ऊपर क्या होती है, एडवांटेजियस बर्ड्स होती हैं और उनकी बर्ड की हेल्प से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम वीवी पेरी भी बोलते हैं। देखिए, ये लीफ हमारी मेन पेरेंट प्लांट से डी अटैच नहीं होती, उससे पहले ही इस लीफ के अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाती है उनकी नोच पार्ट से, उनके एडवांटेजियस बर्ड से। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वीवी पेरी। बुलबिल्स भी एक टाइप से वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। बुलबिल्स क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर फ्लैसी बर्ड होती है। आपको दिखाई दे रहा है ये फ्लैसी बर्ड है अगेव प्लांट की। अगेव में, ऑक्जेलिस में और पाइनएप्पल में ऐसा प्रोड्यूस होता है। ये बर्ड डी अटैच होती है और न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर देती है। ट्रियोन्स ये भी एक टाइप की बर्ड ही होती है। स्वोलन बर्ड है जो फूड स्टोर करती है, पेरेंट से डी अटैच हो जाती है और थ्रू आउट द विंटर इनएक्टिव रहती है। जब इनका मेन ग्रोइंग सीजन आता है, दैट इज स्प्रिंग, उसमें क्या करती है, ग्रो करती है। तो पोटोमेगाटोन और यूट्रिकुलेरिया में ऐसा देखने को हमें मिलता है। ये हमारे पास है ट्रियोन्स। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हम करते हैं, प्लांट नेचुरली नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट टाइप के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, माइक्रो प्रोपोगेशन है, उनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। कटिंग कटिंग में क्या करते हैं, किसी भी प्लांट का या स्टेम का हम नोडल पार्ट लेते हैं, चाहे वो रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीव्स हो, उसके अंदर नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। उस नोडल पार्ट को हम डंप सोयल के अंदर डालेंगे, कुछ न्यूट्रिशन दे देंगे, तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। अब रूट के पोर्शन से, रूट से हम किसी प्लांट की रूट को कट करके न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करवाते हैं। ऐसा लेमन में होता है, ऑरेंज में होता है एंड रेस्प बेरी में होता है। स्टेम के लिए, स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लिए हम रोज की स्टेम लेते हैं, सुगर केन की स्टेम लेते हैं, ग्रेप्स लेते हैं, कॉफ़ी की स्टेम लेते हैं, टी, बोगनविलिया, चाइना रोज, इनकी स्टेम से हम न्यू प्लांट की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। लेकिन उनमें क्या होना चाहिए, बर्ड होनी चाहिए। अगर हम, और बर्ड कहाँ होती है, नोड पे प्रेजेंट होती है। अगर हम नोड के बीच का पार्ट लेंगे जिसको इंटरनोड बोलते हैं, तो इंटरनोड ग्रो नहीं करेगी क्योंकि इंटरनोड के ऊपर कभी भी बर्ड नहीं होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है लीफ। सेंसिवेरिया, बिगोनिया एंड ब्रायोफाइलम, इनकी लीफ के ऊपर क्या होती है, एडवांटेजियस बर्ड्स होती है। इनकी लीफ को अगर हम यूज करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए, तो उससे नया प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग में हम क्या करते हैं कि एडवांटेजियस रूट फॉर्मेशन जो होती है किसी भी प्लांट के अंदर जो एक साल पुराना हो, उसके अंदर हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं, जबकि ब्रांच जो रहेगी उसकी वो मेन पेरेंट प्लांट से अटैच ही रहेगी, लेकिन उस ब्रांच में हम आर्टिफिशियली एडवांटेजियस रूट की फॉर्मेशन इंड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं, अर्ली स्प्रिंग और अर्ली रेनी सीजन के अंदर हम उस ब्रांच की बेस से थोड़ा सा क्या करते हैं, बार्क रिंग की फॉर्म में रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और उसको फिर डिफरेंट वे में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली रूट की फॉर्मेशन उसमें इंड्यूस करवा देते हैं। जहाँ से बार्क रिमूव करती की जाती है, वहाँ से थोड़े दिन के बाद क्या होती है, एडवांटेजियस रूट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। सिंपल लेयरिंग उन प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है जो काफ़ी ज़्यादा वुडी नहीं होते हैं, जिनकी ब्रांच जो होती है या फिर जिनकी स्टेम की हाइट जो होती है ज़्यादा नहीं होती है, और सोयल के आसपास, ग्राउंड सरफेस के आसपास ही रहती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक ब्रांच जो लोअर पोर्शन जो होता है ब्रांच के, अब एक लोअर जो इसकी ज़्यादा लेंथ नहीं होती,
जो सोयल के आसपास ग्राउंड के आसपास होती है उसको बेंड करके सोयल में डाल करके बाहर निकाल दिया जाता है। उसके लीफी पार्ट को देख रहे हैं, उसके लीफी पार्ट को हमने बाहर निकाल दिया है। और जो बेंड पार्ट है वहां से थोड़े दिन के बाद क्या होगा, एडवांटेजियस रूट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे बड होनी बहुत जरूरी है, तो एडवांटेजियस रूट की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगी। और इसको रोके रखने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्रंच लगा देंगे या फिर एक क्लिप लगा देंगे ताकि ये ब्रांच ऊपर की तरफ ना जाए, यहीं पे रुकी रहे। थोड़े दिन के बाद यहाँ एडवांटेजियस रूट आ जाएगी, फिर हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सेपरेट प्लांट बन जाएगा। चेरी में, जैस्मिन में और ग्रेप वाइन में ऐसा होता है। नेक्स्ट है माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग को हम ग्राउंड लेयरिंग भी बोलते हैं और स्टूल लेयरिंग भी बोलते हैं। एप्पल में, पियर में, जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में और चेरी में ऐसा होता है। इसमें क्या करते हैं, हैवी स्टेम्ड प्लांट जो होते हैं जिनकी स्टेम बहुत हैवी होती है और क्लोजली ब्रांच्ड सर्ब जो होते हैं इसमें काफी डेंस ब्रांचिंग होती है, उन प्लांट्स के अंदर हम क्या करते हैं, कट द प्लांट 1 इंच अबव द सोयल, सोयल से 1 इंच ऊपर हम कट कर देते हैं। केवल स्टेम और रूटेड पार्ट्स रह जाता है, स्टेम जो ग्राउंड से ऊपर होगी वो 1 इंच की लगभग होगी। ये कब करते हैं, हम डोरमेंट सीजन में करते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, थोड़े दिन के बाद जो डोरमेंट बर्ड्स जो होंगी जो नीचे की तरफ वो क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी और स्प्रिंग सीजन में वो क्या बना देंगी, न्यू शूट की फॉर्मेशन कर देंगे, न्यू शूट बन जाएंगे हमारे। अब जो न्यू शूट आएगी उसको हम क्या कर देंगे, सोयल से कवर कर देंगे और हमारे न्यू प्लांट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, काफी सारे न्यू प्लांट्स हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एयर लेयरिंग, इसको गोटी भी बोला जाता है और एयर लेयरिंग भी बोला जाता है। लीची में, चाइना रोज में, गुआवा में, ऑरेंज में और लेमन में ये हम करते हैं। ये उन प्लांट्स के लिए है जिनकी ब्रांच जो होती है ग्राउंड से काफी हाइट पे होती है, उनको बेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ये अप्रोच यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्लांट की ब्रांच जो होती है उसकी रिंग की फॉर्म में चारों तरफ से बार्क रिमूव कर देते हैं और उसके ऊपर मॉइस्ट कॉटन, क्ले और मॉसिस और कुछ न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर बना करके उसके ऊपर चारों तरफ लगा देते हैं और उसको टाइटली पॉलिथीन से रैप कर देते हैं ताकि उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट बना रहे। तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है, वहां से एडवांटेजियस रूट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है और फिर हम उस प्लांट को यहां से कट करके कहीं और भी जा करके प्लांट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास ग्राफ्टिंग। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि रूटेड पार्ट ऑफ वन प्लांट कनेक्टेड विद शूटेड पार्ट ऑफ अनदर प्लांट, मीन्स एक प्लांट का रूट पोर्शन दूसरे प्लांट का शूट पोर्शन हम कनेक्ट कर देते हैं, उससे कंपोजिट प्लांट मिलता है हमें, उसमें दोनों के करेक्टर आ जाते हैं। लेकिन फ्रूट की क्वालिटी जो होती है वो शूटेड पार्ट के ऊपर डिपेंड करती है। इट इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बियम ऑफ टू प्लांट्स, हम जो रूटेड और शूटेड पार्ट को ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअली में उनकी कैम्बियम की वजह से ऐसा होता है। दोनों की कैम्बियम क्या होती है, वो यूनियन होनी बहुत जरूरी होती है रूटेड पार्ट के बीच में और शूटेड पार्ट के बीच में। और ये केवल डाइकोट प्लांट में ही पॉसिबल है, वो इसलिए क्योंकि डाइकोट प्लांट में ही कैम्बियम प्रेजेंट होती है, मोनोकोट में कैम्बियम अब्सेंट होती है, इसलिए मोनोकोट प्लांट में ग्राफ्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। देखिए ग्राफ्टिंग में हम दो चीजें लेते हैं, एक लेते हैं रूटेड पार्ट जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, और रूटेड पार्ट हमेशा क्या होता है, ओल्ड होता है और लार्ज होता है देन सायोन। सायोन क्या होता है, सूटेड पार्ट होता है और इसके ऊपर फ्रूट की क्वालिटी डिपेंड होती है। जो हमारा कंपोजिट प्लांट बनेगा स्टॉक को और सायोन को जोड़ करके, तो उस प्लांट कंपोजिट प्लांट में फ्रूट जो लगेंगे वो डिपेंड करेंगे सायोन के ऊपर। तो डिफरेंट मेथड से हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग यूज करते हैं, जैसे टंग ग्राफ्टिंग,
टंग ग्राफ्टिंग या वीप ग्राफ्टिंग बोलते हैं। इसमें जो नीचे वाला स्टॉक पोर्शन जो होता है उसमें टंग या वीप जैसी शेप दी जाती है और सेम तरह की कट किसमें लगाई जाती है, हमारे सायोन में लगाई जाती है, और दोनों को ज्वाइंट करके हम थ्रेड से चारों तरफ से इसको टाइटली बांध देते हैं। और थोड़े दिन के अंदर क्या होगा, इसके वास्कुलर बंडल और इसके वास्कुलर बंडल आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, क्योंकि इसमें वास्कुलर कैम्बियम है वो उसके ज्वाइनिंग में हेल्प करती है। ऐसे क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, एक स्टॉक के ऊपर हम काफी सारे सायोन लगा सकते हैं और इसकी अपीरेंस जो होती है एक क्राउन के जैसी दिखाई देती है, इसको क्राउन ग्राफ्टिंग बोल देते हैं। वेज ग्राफ्टिंग में हम वी शेप कप्ट लगाते हैं सायोन और स्टॉक के बीच में और टाइटली उनको रैप कर देते हैं, बांध देते हैं, और थोड़े दिन के बाद वो सायोन के ऊपर लीफ, न्यू न्यू लीफ आनी शुरू हो जाएंगी और वो ग्रो करना शुरू कर देगा। ऐसे ही बड ग्राफ्टिंग की जाती है। बड में क्या किया जाता है, जिस प्लांट के करेक्टर हमें दूसरे प्लांट में चाहिए उस प्लांट की हम बड लेते हैं, और बड का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो स्टॉक प्लांट जो होगा उसके अंदर टी शेप कट लगा करके उसकी बार्क को रिमूव करते हैं। बार्क को हटाने के बाद उसका वेजिटेटिव पार्ट जो होगा वो हम क्या करते हैं, उसके अंदर डाल करके उसको टाइटली बाइंड कर देते हैं। बाइंड करने के बाद ये बड़ यहां से ग्रो करना शुरू कर देती है। हम इसको चिप ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं। जैसे मोबाइल फोन के अंदर हम चिप डाल देते हैं, ऐसे ही हम दूसरे प्लांट के अंदर किसी दूसरे प्लांट की बड़ को ग्राफ्ट कर देते हैं, इसलिए इसकी वजह से क्या किया जाता है, इसको चिप ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग में हम दो सेम साइज के प्लांट लेते हैं और उनकी ब्रांच जो होंगी वो 3 से 8 इंच डायमीटर में होनी चाहिए। इस प्लांट की भी जो स्टेम है उसका डायमीटर 3 से 8 इंच होना चाहिए और इस प्लांट का भी डायमीटर 3 से 8 इंच होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, दोनों ब्रांच का वो पॉइंट जहां पे दोनों ब्रांच आपस में टच होती हैं, जैसे ये वाला पोर्शन है, यहां पे क्या करते हैं, दोनों के हम क्या करते हैं, एक थिन स्लाइस कट कर लेते हैं। स्लाइस ऑफ बार्क हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं दोनों स्टेम से और दोनों को टाइटली टाइड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जिस प्लांट को हमें स्टॉक बनाना है, जिससे इसको स्टॉक बनाना है, तो इस प्लांट का अपर पोर्शन यानी कि जो हमने जहां से टाई किया था उससे कुछ इंच के ऊपर से उसको कट कर देंगे। जिस प्लांट को हमने सायोन बनाना है उसको जहां पे टाई किया है उससे नीचे से कट कर देंगे। तो हमारे पास ये एक मेन ब्रांच बन जाएगा, ये नीचे वाला स्टॉक बन जाएगा, ऊपर वाला सायोन बन जाएगा। टू डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट हमने यहाँ पे ज्वाइन किए, कंपोजिट प्लांट हमारा बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन में क्या होता है, दिस मेथड इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, हजारों प्लांट हम बनाते हैं बाय कल्चरिंग द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन। हम इसमें सेल को, टिश्यू को या ऑर्गन को कल्चर करते हैं आर्टिफिशियली, और उस कल्चरिंग मेथड को हम टिश्यू कल्चर बोलते हैं। प्रोसेस क्या होती है, प्लांट का जो पार्ट हम टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं या माइक्रो प्रोपोगेशन के लिए यूज करते हैं उस पार्ट को एक्सप्लांट बोला जाता है, और एक्सप्लांट जो होता है हमेशा एपिकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट लिया जाता है। वो क्यों, एपिकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट ही क्यों, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेमेटिक पार्ट जो होता है हमेशा डिजीज फ्री रहता है, वायरस फ्री रहता है। वो इसलिए क्यों, उसको डिजीज क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ सेल डिवीजन होता है वो रेट ऑफ बैक्टीरियल या वायरल डिवीजन से काफी फास्ट होता है। इसलिए उस पार्ट के अंदर सेल हमारी बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो करती है, और उस पार्ट के अंदर जो सेल होंगी वो डिजीज फ्री होंगी, बैक्टीरिया और वायरस फ्री रहेंगी, और उस पार्ट को हम एक्सप्लांट बोलेंगे। अब एक्सप्लांट को हम एक न्यूट्रेटिव मीडिया में रख देंगे। ये हमारा एक्सप्लांट है, ये हमने एक न्यूट्रेटिव मीडिया लिया है जो इस एक्सप्लांट को न्यूट्रिशन देगा। इसके अंदर क्या होगा, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, एमिनो एसिड रहेंगे,
सोर्स ऑफ कार्बन रहेगा बहुत जरूरी है। अगार अगार सोलिडिफाइंग एजेंट की फॉर्म में लेते हैं हम, और ग्रोथ हार्मोन इसमें डालते हैं। ये सारे जब न्यूट्रिशन इसको मिलेंगे तो हमारा एक्स प्लांट के अंदर जो सेल लिया हमने वो क्या करेगा, डिवाइड करना शुरू करेगा और मास ऑफ अनडिफरेंटेटेड सेल बन जाएगा। मतलब बहुत सारी सेल बन जाएंगी, वो अनडिफरेंटेटेड रहेंगी। अनडिफरेंटेटेड का मतलब क्या है, वो कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ उनका काम क्या है, डिवाइड करना। अब क्या होगा, अब इस कैलस के हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट स्लाइस बना करके अलग अलग कल्चर प्लेट में रख सकते हैं, जितने चाहें उसके उतने पार्ट्स बनाएंगे, फिर कैलस ग्रो कर जाएगा, फिर दोबारा से सेल डिवाइड करेंगे, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर प्लेट में ले लेंगे। तो जब हमारे पास सफिशियंट कल्चर प्लेट विद कैलस हमारे पास हो जाएगा तो उस कैलस के अंदर हम क्या करेंगे, रूट एंड शूट प्रोमोटिंग हार्मोन डाल देंगे। तो रूट और शूट प्रोमोटिंग हार्मोन क्या करेगा, रूट फॉर्मेशन और शूट फॉर्मेशन उसमें कैलस में इंड्यूस करेगा। मतलब हमारी सेल जो थी कैलस के अंदर जो अनडिफरेंटेटेड थी वो डिफरेंटेटेड होने शुरू हो जाएंगे और रूट और शूट बनाना शुरू कर देंगे। अब उससे प्लांटलेट्स बन जाएंगे। प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे, नर्सरी के पॉट में डालेंगे विद सम कंट्रोल्ड कंडीशंस, ताकि उसको ज्यादा धूप नहीं देनी है, ज्यादा ठंड में नहीं रखना है, ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, कुछ कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको प्लांट को रखेंगे। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको फार्मर फील्ड में हम प्लांट कर सकते हैं। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक्स प्लांट जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है वहां पर रेट ऑफ सेल डिवीजन जो होती है ऑलवेज हायर होती है देन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और इसलिए वो पार्ट हमेशा क्या होता है, डिजीज फ्री रहता है। तो अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की वजह से इट प्रोड्यूस सीडलेस प्लांट, सुगर केन एंड बनाना। सुगर केन और बनाना जो होते हैं सीडलेस होते हैं, इसी मेथड से बनाए जा सकते हैं। और जो प्लांट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं उनको भी इन मेथड से हम ग्रो कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन काफी रैपिड होता है, बहुत जल्दी हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट बना सकते हैं जैसे माइक्रो प्रोपोगेशन में हमने पढ़ा। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, मतलब न्यू प्लांट्स जो बनेंगे वो पेरेंट प्लांट के जैसे ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हुआ है। प्लांट जो रहेंगे इस मेथड से डिजीज फ्री रहेंगे और उनकी सर्वाइवल रेट जो होगी वो हाई रहेगी। प्लांट कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम, उन प्लांट को हम लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहेगा, वेरिएशन नहीं होगी उनके अंदर, उनकी अडेप्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी अडेप्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, पुअर होती जाएगी, और उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है। प्लांट नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेट करते हैं, कई बार हम नहीं चाहते लेकिन वो प्लांट बहुत ज़्यादा वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करके ओवर क्राउडिंग कर देता है। देखिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसके लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज क्या है, यूनिपेरेंटल है, दूसरे पेरेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, मेटिंग की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, केवल ए माइटोसिस, माइटोसिस से काम चल जाता है, मियोसिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इससे प्रोड्यूस होते हैं क्लोन जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के जैसे होंगे। अगर हम चाहते हैं हमारे न्यू ऑफस्प्रिंग जो बने, न्यू प्लांट्स जो बने या न्यू ऑर्गेनिज्म जो बने वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह से हो तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बेस्ट है। नेक्स्ट, क्विक मेथड है टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, बहुत कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इससे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, नो वेरिएशन, फॉर्मेशन गैमेट्स की नहीं होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, मतलब मिक्सिंग ऑफ करेक्टर पॉसिबल नहीं है तो वेरिएशन भी नहीं होंगे। वेरिएशन नहीं है तो नो रोल इन इवोल्यूशन, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। थर्ड, इट कॉज ओवर क्राउडिंग, प्लांट और एनिमल कई बार एसेक्सुअली इतने ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं वो अननेसेसरी अपनी पॉपुलेशन को इतना बढ़ा देते हैं जिससे ओवर क्राउडिंग होती है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप जर्मिनेट करते रहते हैं, हम उनको निकालते रहते हैं फिर भी जर्मिनेट करते रहते हैं, वो ओवर क्राउडिंग करते हैं और मेन क्रॉप के साथ कंपीट कर जाते हैं हमारे।
प्लांट जो इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन और टॉलरेंट पावर कम हो जाती है। वो एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाते। एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, ड्रोट हो गया, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, एबायोटिक स्ट्रेस होता है, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।